यदि आपको टेस्टिस स्क्रोटम या गोटी में सूजन है या दर्द है तो इसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम की शिकायत एक बार लाइफ में होती है। अगर आपको अंडकोश में, स्क्रोटम में या टेस्टिस यानी गोटी में अगर सूजन हो जाती है तो क्या है कि शर्म आ जाती है, पेशेंट बार बार बराबर से डिस्कस नहीं कर पाता है और इसके कारण वो ऑनलाइन सर्च करते रहता है, उसको बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आज मैं बात करने वाला कुछ आम कारण जिसके वजह से स्क्रोटम या टेस्टिस गोटी में स्वेलिंग हो सकता है और इसके क्या क्या फिर पहलू रहते हैं, कैसे हम इसे जांच करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल यानी टेस्टिस के बार यानी उसके कवच और टेस्टिस के बीच में जब पानी भर जाता है इसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। क्या हाइड्रोसिल के कारण प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं? प्राइमरी यानी कुछ कारण नहीं है, कोई इन्फेक्शन या कोई ट्यूमर या गांठ ऐसी कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई कारण से पानी ज़्यादा उधर बन रहा है, इसे प्राइमरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसिल यानी कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है या कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके वजह से गोटी में पानी बन रहा है, इसे सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। दूसरे कारण है हर्निया। जब भी हर्निया बड़ा हो जाए तो ये पूरा स्लाइड डाउन होके पूरा स्क्रोटम में यानी गोटी में आ जाता है, इसे इन्वाइनोस्क्रोटल हर्निया बोल सकते हैं। और अगर ये हर्निया अटक जाता है तो भी ये गोटी में एक सूजन बना के हमेशा परसिस्ट करता है, तो ये हर्निया भी एक कारण है जिसके वजह से स्क्रोटम में आपको सूजन हो सकती है। दूसरे कुछ कारण है जैसे कि इन्फेक्शन, पस हो जाना, गोटी में इन्फेक्शन हो जाना, टॉर्शन। टॉर्शन यानी गोटी जब घूम जाती है तो उसका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है और उसके कारण भयानक पेन होता है और सूजन भी आ जाती है, इसे टॉर्शन कहते हैं। अगर कुछ आपको जोर से मार लग गया तो फिर गोटी या गोटी के आजू बाजू में ब्लड जमा हो जाएगा, जिसे हीमेटोसिल बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, तो ये भी एक कारण हो सकता है सूजन का। बाकी कुछ कारण रहते हैं जैसे कि सिस्ट। सिस्ट यानी पानी की सादी गांठ। एपिडीडाइमिटिस यानी अगर जो गोटी के ऊपर एपिडीडाइमिस जैसा ऑर्गन रहता है जिसमें ब्लड सप्लाई उधर से नीचे आता है, अगर उधर इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको ये तकलीफ हो सकती है, सूजन हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। बाकी कुछ रेयर कारण जैसे कि कैंसर, अगर आपको टेस्टिस में कैंसर है, अंडकोश में कैंसर हो जाता है तो उसके कारण भी आपको सूजन आ सकती है। तो जब भी आपको टेस्टिस, स्क्रोटम या गोटी में इन्फेक्शन हो, कोई सूजन हो या कुछ आपको दर्द हो रहा हो तो इससे आप शर्माए मत, आप बराबर से इसका एक बार जनरल सर्जन के पास चेकअप करा लीजिए। बहुत बार सर्जन आपको सोनोग्राफी का एडवाइस करेंगे जिससे अपने को और बेटर गाइडेंस मिलेगा, और कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो भी ऐसा हो सकता है और ऐसा देखा जाता है। तो ये थी कुछ यूजफुल जानकारी, स्क्रोटम टेस्टिस यानी गोटी में जब दर्द हो या सूजन हो तो इसे कैसे, क्या कारण रहेंगे और कैसे चेक करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवाल इस कमेंट सेक्शन के वीडियो में टाइप कीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको राइट जवाब देने के लिए। धन्यवाद।